चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। गिनती नहीं कर सकते कितना किसान इकट्ठा है। इकट्ठे तो हो रहे हैं ना, जब मोदी ने काम बुरा किया है, माड़ा काम किया है, तीन बिल जो है वो हमारी फांसी का फंदा बना दिया उनके, हम वो फांसी का फंदा काटने के लिए इकट्ठे हुए हैं और काट के जाएंगे। मोदी को दस देंगे कि पंजाबियों से कैसा मत्था लगा है कि आप आगे तो 370 खत्म कर दिया, NCR कर दिया, नोटबंदी कर दिया, अब पता चलेगा कि किसके साथ बाप पड़ा हुआ। हम पंजाब से ट्रैक्टर खुद चला के आया हूँ। पहले हमने 3 क्विंटल बादाम, सौगी, काजू, पिस्ता जहाँ पर बांटा है, अब कल भी हमने खजूर इतने बांटा है 3 क्विंटल, 4 क्विंटल हैं। आज फिर प्रसाद खजूरों का 4 क्विंटल कितनी है, 7 क्विंटल 10 किलो का प्रसाद है। वो नगर कीर्तन चल रहा है ना, आना आने वाला है, उनके लिए हम बांटेंगे। सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री मोदी है इस टाइम सारी इंडिया नहीं, सारी वर्ल्ड में। इसको समझ नहीं लगता कि पंजाब लोग ही सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है, कोई धर्म सब कर धर्म इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब इकट्ठे हैं। भाई मोदी सरकार थी है नहीं, बार बार रिक्वेस्ट कर ला रहा है, तीनों कानून ले लो काले वापिस। वहाँ मैंने बहुत दिन हो गए और बैठा ने इस ठंड में, एक एक दिन काट के देखो, ये नेता तो उनसे भाषण देने लग रहे हैं, बार बार कहने ला रहे हैं कानून किसाना हित में है। पहली बात तो इन नेता इन्होंने वे कौन बेरा खेती होगा कुकर से। दूसरी बात है तो उनसे ये हित में बताने लाग रहे हैं, वो फार्मूला में नहीं बता दो कि आज के दिन सबकी में तो महंगाई होने लग रही है, खाद बद गया, दवाई बद गई, बीज बद गया, उपज कम हो रही है, रेट कम हो रहे हैं, और फिर भी इन्हू कहें बोले किसान ही आमदनी दुगुनी होगी। एक मेन बात यह भी है भाई, कुछ अंधभगत से मोदी के, ये तो उनसे बार बार कहने लाग रहे हैं नहीं कि भाई ये खालिस्तानी आ गए या फिर नक्सली आ गए, ये जो बांटने लाग रहे हैं, कोई धर्म का नाम पर बांटते हैं, कोई जात का नाम पर बांटते हैं। भाई तो हमें सोचो समझो रहे, धारा सात बिना किमे को नहीं, आपस में ये राजनेता इन बढ़वाई जाऊँगे, कोई SYL का मुद्दा हरियाणा पंजाब ने भड़काने लाग रहे हैं, कोई वाई बात से हिंदू मुस्लिम ने भड़काने लाग रहे हैं। इनका काम से राजनीति चमकाने खातिर किमे ने किमे तो ढूंढ रहे करेंगे।